मत जीते हैं, भारी बहुमतों से जीते हैं। वो सीट हमारे हरिद्वार की थी। मोदी जी हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। लेकिन देश में गद्दारों की कमी नहीं है। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, 500 साल तक इंतजार करते रहे, वहां से वो सीट डाली। उन हिंदुओं पे मुझे शर्म आती है उन हिंदुओं का नाम लेते हुए कि उन्होंने ऐसा काम किया। जहां कोई कुछ भी ताकत लगा ले, मोदी जी की सरकार 5 साल चलेगी, ठोक पीट के चलेगी। तीसरी बार ये रिकॉर्ड है, तीसरी बार केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर सफल सरकार चलाएंगे और 5 साल जन कल्याणकारी योजनाएं जो कार्य रुके हुए थे वो निश्चित तौर पर अब पूरे होंगे। बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप जो है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो है अत्यधिक सक्रिय रहते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज यहाँ पर हम सभी अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति के द्वारा आयोजित उत्तराखंड में पहले तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने पर बहुत बहुत बधाई। उससे सबसे बड़ी बात है कि जहाँ अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीट नहीं पाई, उत्तराखंड में 5ों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में गई। और उससे बड़ी बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीते। सभी को जो है बहुत बहुत, विशेष रूप से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी हैं, उनके नेतृत्व में पुनः जो है 5ों सीटें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई हैं, जिससे जो है मोदी जी जो एक संकल्प था कि हमारे द्वारा जो है मोदी जी को 5ों सीट। गठबंधन वाले कह रहे सरकार हम बना लेंगे, तो कोई कुछ भी ताकत लगा ले, मोदी जी की सरकार 5 साल चलेगी, ठोक पीट के चलेगी। ये उत्तराखंड की जनता ने जो मोदी जी के नेतृत्व पर जो उनका आभार प्रकट किया है और उनकी जो नीतियां थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन पर अपनी मोहर लगाकर 5ों सीट यहां से उत्तराखंड की जिताकर भेजी हैं। और सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों को मैं इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया और 5ों सीट। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सीट हम 1.5 लाख से नीचे नहीं जीते, सारी की सारी सीटें हम उससे पार जीते हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्लीन स्वीप हमने इस राज्य में किया, निश्चित तौर पर जगह नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, वहाँ समाजवादी जीत गई। देखिए हार जीत जरूरी नहीं है कि कौन कहां से जीत सकता, कौन कहां से हार सकता है, लेकिन जनता ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना भरोसा जताया और तीसरी बार ये रिकॉर्ड है, तीसरी बार केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर सफल सरकार चलाएंगे और 5 साल जन कल्याणकारी योजनाएं जो कार्य रुके हुए थे वो निश्चित तौर पर अब पूरे होंगे। किस किस तरह के कार्य पूरे करेंगे यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो भी मोदी जी की मुहिम है उसको आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, जो उत्तराखंड की 5ों की 5ों सीटें जिताकर कीर्तिमान स्थापित किया है और सारी 5ों की 5ों सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दी हैं। मोदी जी की जो लहर चल रही थी उसको लेकर? मोदी जी की लहर तो आज भी है और रहेगी भी आगे, लेकिन देश में गद्दारों की कमी नहीं है। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, 500 साल तक इंतजार करते रहे, वहाँ से वो सीट डाली। उन हिंदुओं पे मुझे शर्म आती है उन हिंदुओं का नाम लेते हुए कि उन्होंने ऐसा काम किया जहाँ पे आज तक कुछ नहीं था, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया, राम मंदिर बनाया, इतना भव्य विशाल जागृति आई, वहाँ पे इतना काम हुआ कि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, और वहाँ की जनता ने ही नकार दिया, तो ऐसे लोगों पे क्या विश्वास करेंगे आप लोग। मैं ये चाहना चाहता हूँ आने वाला जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है और मैं चाहूँगा 5 साल तक चलेगी और आगे भी चलेगी, क्योंकि एक सबक मिला है जनता को, आगे जागो, नहीं जागोगे तो पछताओगे। आदरणीय सम्मानित उत्तराखंड की सभी 5ों सीटों पर आदरणीय हमारे उत्तराखंड के जनता ने
पांचों सीटें जिताई हैं, इस पर मैं सबको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अखंड के हैं, मैंने पांचों सीट जीत के दिखाई। हमने आपको ये भी कहा था कि अब की बार 400 पार 400 पाँच लाख वोट मिलेगी त्रिवेंद्र रावत को। 5 लाख नहीं मिली, 2.5 लाख तो मिली है ना, 2.5 लाख मिली है त्रिवेंद्र रावत भारी बहुमतों से जीते हैं, भारी बहुमतों से जीते हैं। वो सीट हमारे हरिद्वार की थी। मोदी जी हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। मोदी जी सबकी दिलों की धड़कन है, ठीक है। जो राम को लाए श्री रामचंद्र जी को, वही उनको दोबारा सत्ता में लाएंगे और ला भी रहे हैं, ठीक है। और 293 समथिंग हमारी वोटें आई हैं, हम सब वो मिला है सपोर्ट। ऐसे कुछ नहीं है, सरकार हमारी ही बनेगी। और हम जानते हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड और क्या, उत्तराखंड हमारी प्रधानमंत्री मोदी पांचों सीटें इतनी अच्छा से, इसके लिए हम पूरे अपने उत्तराखंड जनता का तहदी से धन्यवाद करते हैं। तो आपने सुना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समर्थक सभी उनका यहाँ पर धन्यवाद कर रहे जिन जनता ने भाजपा को वोट कराया जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंस भाई। देखिए पांचों की पांचों सीट जिता करके इतिहास रचने का काम किया है और तीसरी बार 5 की 5 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाली है। और इसके लिए हरिद्वार की और पूरे प्रदेश की जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारी सरकार एनडीए की सरकार फिर तिबारा से बनने जा रही है, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद।